हेलो जी, व्हाट्सअप माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू वंडरफुल वकार्स यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है 30th of June और आज देखो यार, मेरे पास है मेरी फायरफॉक्स। तो अभी लास्ट ब्लॉग में मैंने यार अपनी अपनी भाई ने साइकिल दिखाई थी, तो मैंने सोचा यार क्यों ना यार इस ब्लॉग में अपनी साइकिल पर हम लोग कवर करें। तो अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं जामा मस्जिद। आज दो तीन काम है और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मुझे बात करनी है। तो जामा मस्जिद के साइड हम लोग जा रहे हैं अभी, और वहाँ जाके मुझे जाना है कबूतर मार्केट। वहाँ एक काम है, मेरे एक फ्रेंड हैं वो आ रहे हैं, उनके लिए मेरे को कुछ फैट्स उनको चाहिए, वो दिलवाने हैं। फ़िलहाल अभी मैं हूँ चरखा बलान में और यहाँ से निकलते हैं सीधा जामा मस्जिद पर। तो यार अभी चामड़ी बाजार आ गए, देखो ये सामने जामा मस्जिद है, कितनी अच्छी लग रही है यार। साइकिलिंग बहुत अच्छी है वैसे यार, सेहत के लिए। फिलहाल यार अभी मैंने जो है कैमरे के नीचे ट्राइपॉड नहीं लगा रखा के लिए, तो ये जामा मस्जिद तो आ गया यार। देखो बड़ी मुश्किल से बिना ट्राइपॉड के कंट्रोल हो रहा है कैमरा, और देखो यार घूमो आराम से। देखो यार तो मज़ा आता है वैसे यार ऐसे टाइम पर साइकिलिंग करने में। और ये बैग जो है मुझे पता बहुत ज़्यादा इरीटेट कर रहा है। और अभी जो है टाइम हो रहा है तकरीबन 3:16, और अभी हम पहुंचने वाले हैं सीधा ऐसे कबूतर मार्केट, वहां जाएंगे, वहां दिखाएंगे आपको। तो यार अभी कबूतर मार्केट हम लोग पहुंच चुके हैं, और सामने देखो मार्केट है, और मेरे साथ है मेरे फ्रेंड, और उनके साथ हम लोग जा रहे हैं आगे। वहां जाके देखते हैं मिल जाते हैं, सब दिखाऊँगा आपको इस वीडियो में। यार इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और फिर बता दूँ एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात बतानी है मुझे आपको इस वीडियो के एंड में, तो प्लीज़ एंड। तो अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे कबूतर मार्केट के अंदर एक शॉप के अंदर, और यहाँ पे वैसे काफ़ी तरह के बर्ड्स हैं, जैसे मैं दिखाऊँ आपको, ये देखें आप, बजरी तोते हैं और अलग अलग तरह के यहाँ पर सारे आपको बर्ड मिल जाएंगे। ऊपर देख सकते हैं, ऊपर पिद्दी चिड़िया बोलते हैं शायद, सिंगिंग बर्ड बोलते हैं इसको। और इसके अलावा यहाँ पर देखो केजेस वगैरह सब मिल जाते हैं, ये देखें कड़कनाथ ब्रीड की मुर्गियां हैं, और ये देखें कबूतर मिल जाएंगे आपको, हर टाइप के यहाँ पे आपको जानवर तरह के मिल जाएंगे। फ़िलहाल अभी हम लोगों को लेने हैं यहाँ पे बजरी तोते, और हमारे साथ हैं हमारे अहमद भाई। देखो कितना खूबसूरत यहाँ पे कबूतर है यार, कितना प्यारा है माशाल्लाह से, है ना। जानवरों की यार अपनी खूबसूरती होती है। तो फ़िलहाल यार कुछ तोते हमने यहाँ पे ले लिए, देखो कलर कितने सारे गए माशाल्लाह से, अच्छे कलर के मिल गए, अलग अलग प्राइस रेंज में होते हैं, 300 पर पेयर वाले भी होते हैं। देखो अभी देखो कैसे पकड़ के निकालेगा यार, सही से दिखा नहीं पा रहा यार। ये देखो भाई ने पकड़ा, ये देखो ये निकाला एक पेयर, और ये सारा। तो जैसे मैं आपको बता रहा था 300 पर पेयर भी होता है, 500 पर पेयर भी होता है, 700 पर पेयर भी होता है, आपकी ब्रीड के ऊपर है। देखो जैसे होता है, देखो भाई हमारे पकड़ पकड़ के डालना है फीमेल है, और अलग अलग डालना है, हमने तीन करके दो पेयर लिए हैं। और इसके अंदर हम लोगों ने वो जो है सिंगिंग बर्ड जो है वो भी लिए हैं, बहुत छोटे छोटे साइज के होते हैं, उनका छोटे छोटे से देखते हैं। हाँ तो क्या बता रहा था, हाँ छोटे छोटे होते हैं, कितना छोटा सा बर्ड है, कितना खूबसूरत है। ये आया, ये डाला एक, और एक नीचे डाला, ये देखो ये वाइट वाला, क्योंकि हमारे लग रहा है। तो ये देखो यार अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने ले लिया है एक के हाथ में, हमारे एक हमारे हाथ में। और तो चलो इनको जल्दी से ड्रॉप करते हैं भाई की ऑफिस में, और फिर वहाँ से चलते हैं घर। एक बार मैं आपको वैसे कोशिश करूँगा दिखा दूँ यार बर्ड्स को कितने प्यारे हैं। तो माशाल्लाह देखो कितने खूबसूरत बर्ड्स हैं, और आराम कर रहे हैं। वैसे नई जगह पर सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, वैसे बर्ड्स को मैंने पाले हैं तो मेरे को इस चीज़ का थोड़ा बहुत आइडिया है। माशाल्लाह देखो कितने अच्छे लाइनअप से बैठे हुए हैं, जैसे सुपर बाइक लाइनअप होता है ना, लोग कहते सुपर बाइक लाइनअप हम देंगे, देखो सुपर बर्ड्स लाइनअप हमारा। माशाल्लाह देखो कितने अच्छे लग रहा है। तो चलो सीधा चलते हैं घर, और फिर आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह घर पे। फाइनली अभी जो काम थे वो यार वो अभी फारिग हो चुके हैं, और अभी निकले हैं थोड़ा साइकिलिंग वगैरह करने। आई नो यार ये बैग अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन मज़ा तो यार इसी में। अलग ही सीन है यार, अलग ही टशन है हर चीज़ का। ये तो जिंदगी के मजे थे बचपन में यार, साइकिल चलाते थे तो यार उसका बहुत बेनिफिट था।
हेल्दी भी रहते थे, ना किसी चीज़ की टेंशन, ना मतलब खाते पीते भी कम थे। फिलहाल जब से लॉकडाउन हुआ था तो वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन हो गया था और यार उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो फिलहाल यार वेट कम करने के लिए और फिजिकली फिट रहने के लिए साइकिलिंग तो बहुत ज़रूरी है ना। अल्लाह अकबर। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन बहुत ज़्यादा बिजी गुजरा, लेकिन जो भी गया अल्लाह का शुक्र सारे काम हो गए। फिलहाल यार जैसे मैंने आप लोगों को बताया था यार कि वीडियो के एंड में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करनी है, तो जो टॉपिक है वो यार ये होने वाला है, जैसे कि आपको पता है बहुत सारी एप्लीकेशन जो है बैन हुई हैं, जिसमें सबसे मेन एप्लीकेशन जो बैन हुई है वो है टिकटॉक। समझ रहे हो, मेरे पास टिकटॉक जो है बैन हो चुका है ऑफिशियली, जिसकी मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है टिकटॉक बैन होने की। दूसरी बात ये कि मैं इस टॉपिक पर बात क्यों कर रहा हूँ, तो मेरे यार इस टॉपिक पर बात करने का मेन मकसद जो है वो ये है, जो टिकटॉक एप्लीकेशन बैन हुई है उसके ऊपर लोगों का मिक्स रिएक्शन आ रहा है। लेकिन जो मेन रिएक्शन आ रहा है वो ये आ रहा है कि यार बहुत अच्छा हुआ ये एप्लीकेशन बैन हो गई, बिल्कुल हुई अच्छी बात है। लेकिन जो नेगेटिव माइंडेड पीपल है यार वो इस चीज़ को बिल्कुल ही अलग पॉइंट ऑफ व्यू में लेके जा रहे हैं। वो कह रहे हैं यार जैसे कोई टिकटॉकर है उसको वो लोग जाके कह रहे हैं भाई बेटा देख क्या टिकटॉक बैन हुई है। अब तुम ये सोचो ना, उसका बेचारे का घर चलता था उस एप्लीकेशन से, अगर वो कंटेंट क्रिएटर है तो यार उसको कुछ तो पे मिलती थी जिससे वो अपने पर्सनल एक्सपेंसेस अपनी फैमिली एक्सपेंसेस को कंट्रोल करता था। लेकिन नहीं, हम लोगों को ट्रोल करने के अलावा कुछ आता नहीं। अब उसके सेंटिमेंट्स के ऊपर, उसके ऊपर क्या गुजर रहा होगा कि यार उसकी बेचारे की रोज़ी रोटी का जो साधन था वो ख़त्म हो गया। भाई कैसा डिसीजन लिया है मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो यार इन्होंने, हमको पता है, आप सब लोगों को पता है कि यार क्या चल रहा है हमारा इस टाइम चाइना के साथ, कैसे रिलेशंस चल रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग न्यूज़ देखें या पढ़ें, न्यूज़ मतलब न्यूज़ बहस नहीं, न्यूज़ देखें तो आपको पता रहेगा कि लद्दाख के अंदर 500 मीटर अंदर चाइनीज़ आर्मी आके अपने कैंप्स बना के चली गई गोलान वैली में। और ये जो सैटेलाइट सारी इमेजेस जो आई हैं वो सैटेलाइट इमेजेस आ रही हैं, और ये सारी चीज़ें हमें डल्डन टॉप या फिर NDTV या द क्विंट, द वायर जैसी जगहों से इंफॉर्मेशन मिल रही है। बाकी न्यूज़ चैनल्स पे क्या हो रहा है, पूछता है भारत भारत ये नहीं पूछ रहा कि चाइनीज़ क्यों इंट्रूड कर रहे हैं हमारे लैंड के अंदर, ये भारत नहीं पूछ रहा। या फिर आज होगी देश की सबसे बड़ी बहस, किस चीज़ पे, टिकटॉक हो गया बैन। बट टिकटॉक बैन के ऊपर बहस करने से अच्छा इस चीज़ पे करो ना कि चाइना जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है और टारगेट किसको करते हैं, सीधा ओपोजिशन को। समझ रहे हैं आप मेरी बात में क्या कह रहा हूँ, ओपोजिशन को टारगेट करते हैं, जो पावर में है उनसे क्वेश्चन पूछने की इनकी हिम्मत है ही नहीं, और जो पूछता है वो तो जॉब वॉब उसकी तो बेचारे की सब चली जाती है। बहरहाल एक नेक्स्ट वीडियो हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, मैंने आपको थोड़ा सा स्पॉइलर दे दिया इस चीज़ के ऊपर, एक थोड़ा हम कंटेंट लिख रहे हैं, अभी वादा नहीं है वीडियो लाऊंगा लेकिन इंशाल्लाह कोशिश पूरी रहेगी अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने की। फिलहाल बैक टू द टॉपिक, जो टॉपिक था, सपोज आप हो यार, आप किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में जॉब करते हो, मिसाल के तौर पे कोई भी एक्साइजेड कंपनी ले लो, रिलायंस मान लो, रिलायंस में आप मैनेजर हो और रिलायंस कंपनी ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस बंद हो जाए, और आप जाहिर सी बात है कंपनी बंद होगी तो आपकी मैनेजर की जो जॉब है वो भी चली जाएगी, आपका रोज़ी रोटी जिससे चीज़ से आ रही थी वो चली जाएगी। और मैं आऊँ आपके पास और मैं आपसे आके कहूँ कि यार क्या बात है तेरी तो जॉब चली गई, यार कितने मज़े की बात है, अब क्या करेगा, तेरी जॉब चली गई मुझे बड़ी खुशी है, अच्छा लगेगा आपको, अपने दिल पर हाथ रख के पूछना अगर अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, आप खुद समझ जाओ। यही हाल उन लोगों के साथ हो रहा है जो टिकटॉक के कंटेंट क्रिएटर्स हैं। कुछ पर्टिकुलर लोग, मैं सबको नहीं कह रहा, कुछ पर्टिकुलर लोग वो उनको जाके टारगेट कर रहे हैं, उनको DMs कर रहे हैं, उनको मिलके बता रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, उनको बेचारों को डीमोटिवेट कर रहे हैं, अब टिकटॉक बंद होगी अब देखो क्या करोगे, मुजरा करते थे फलाना ढिमकाना, हर तरह के लोग हैं। अब यार
मेन बात आती है इस सिचुएशन में हमें करना क्या चाहिए। सबसे मेरा पर्सनल ओपिनियन ये यार, हमें तो यार कोई जानने वाला अगर आपका टिकटॉक पे डालता हो तो मेरा ओपिनियन ये रहेगा कि यार आप उसके पास जाएं, उसको मोटिवेट करें कि यार एक चीज़ गई है, इंशाल्लाह आपको दूसरी चीज़ मिलेगी और आपको इससे अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पर आप अपने व्यूज़ वीडियोज़ बना के अच्छे व्यूज़ और अच्छे पैसे कमा सकते हो। और मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि गवर्नमेंट से कि कोई ऐसी एप्लीकेशन दी जाए जिसमें वो लोग और काम कर सकें और अच्छे पैसे कमा सकें। और यार उनको प्लीज़ डीमोटिवेट ना करें, उनको मोटिवेट करें। अजान होने वाली है मगरिब की, इसीलिए जल्दी से वीडियो को वाइंड अप करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और मेरा ये समझाना या मेरा मैसेज आपको समझ आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, समझ नहीं आया तो डिसलाइक करना, कमेंट करके बताना क्या समझ नहीं आया। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों को समझाने की। और यार चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, जो रेड वाला बटन है वो दबा देना। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, पीस।